नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। मैं हूं सुशील कुमार और हम बात कर रहे हैं अभी लोकसभा क्षेत्र भागलपुर का। और भागलपुर के इलाका जो इस्माइलपुर इलाका है, सांसद ने इस गांव को गोद लिया था और इस गांव में क्या विकास हुआ है, आइए हम जानते हैं यहां के लोगों से। बाबा आप ये बताइए, इस्माइलपुर को सांसद ने गोद लिया था, यहाँ पे क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है इस गाँव में, जिस तरह से की देखा जा रहा है अभी तक तो कोई विकास नहीं है। अगर आगे इसी तरह से चलेंगे तो हम इस तरह से तो नरेंद्र मोदी को नहीं देंगे, लेकिन जिस तरह से कि अभी देख रहे हैं हम कि पाकिस्तान जैसे हुआ, जो हमला अभी तक हुए उसमें 44 जवान शहीद हुए, तो उसमें जिस तरह से वो अपना प्रभाव दिखाए हैं पाकिस्तान को कि उस गांव को देखकर। और विकास के बारे में जहाँ तक देखते हैं कि यहाँ पर इस्माइलपुर में जो सांसद वर्तमान सांसद थे, उन्होंने इस्माइलपुर को सिर्फ आदर्श ग्राम बनाकर छोड़ दिया। इस गाँव का विकास तो जैसा होना चाहिए वैसा अभी तक नहीं हुआ है, काहे जब से सांसद आदर्श ग्राम बना। आदर्श ग्राम होने के नाते जिस तरह से इस गांव का देखरेख होना चाहिए, जिस तरह से विकास होना चाहिए, उस माध्यम से अभी तक विकास नहीं हुआ है। मैं 1 किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र से कटा है, वहां पर मात्र 500 मीटर तक ही गंगा कटाव निरोधी काम किया जा रहा है, जिससे कि बार बार वह क्षतिग्रस्त होकर फिर गंगा में विलीन हो जाता है और करोड़ों रुपया सरकार का बर्बाद होता है। इसीलिए चाहिए सरकार को यहाँ पूरी तहकीकात के साथ यह गांव कैसे बचे, यानी कि हमारा जो अभी भारत है इंजीनियरिंग के मामले में भी तकनीकी क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन गंगा कटाव में किस तरह से काम होना चाहिए ताकि सरकार का सालों साल करोड़ों अरबों रुपया जो बर्बाद होता है वह नहीं हो और वह सुरक्षित हो जाए गांव। जिस आदर्श ग्राम को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चुना गया, अगर इसका देखभाल सही तरीके से नहीं होगा तो यह भारत के नक्शे कदम से मिट जाएगा, तो क्या फायदा होगा आदर्श ग्राम पर। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया था कि 2016 तक हर लोकसभा क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम बनाया जाएगा और 2019 में फिर दोबारा किसी दूसरे गांव को इसके लिए चुना जाएगा। जब 2016 तक में हम समझते हैं कि लगभग चुने गए सभी आदर्श ग्रामों में लगभग कहीं पर आदर्श ग्राम का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सका, क्योंकि वहाँ जो बुनियादी सुविधा बहाल करना था, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था जैसे कि स्कूल में छात्र अनुपात, शिक्षक का जो अनुपात होना चाहिए था वह नहीं हुआ, विद्यालय में बुनियादी सुविधा बहाल नहीं हुआ, खेल का मैदान बहाल नहीं हुआ, वहाँ का जो हॉस्पिटल है वह 24 घंटे इमरजेंसी सेवा बहाल होता, यहाँ एक PSC है जहाँ पर कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी 2 जगह कार्य कर रहे हैं, गोपालपुर और इस्माइलपुर। यहाँ पे जो लोगों का कहना है कि विकास तो हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो इसे आप अनुमान लगा सकते हैं कितना विकास हुआ इस इलाके में। लोकसभा चुनाव को लेकर एबी न्यूज जो है भागलपुर लोकसभा सीट के संसदीय क्षेत्र में जो है नौगछिया इलाका का अभी इस्माइलपुर प्रखंड ये कहा जा रहा है और ये बिट्ठा गाँव है और यहाँ का जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस इलाके में कभी मीडिया जल्दी नहीं पहुंच पाती है, लेकिन एबी न्यूज की टीम जो है आज ग्राउंड रिपोर्ट जीरो से रिपोर्टिंग करी है। और तो ये सबसे पहले वो इलाका का मैं तस्वीर दिखा रहा हूं कि पूरा इलाका जो है बाढ़ ग्रस्त इलाका है। यहां पे हर साल जो बाढ़ आता है तो कई लोग परिवार अपना बिछड़ जाते हैं, कई लोगों का आशियाना जो है उजड़ जाता है। वो साफ तस्वीर देखिए कि जो इलाका है जलमग्न का जो इलाका है वो देखिए, ये तटबंध कभी भी जो पानी आता है तो उसमें ध्वस्त हो जाते हैं और लोग जो है एक दूसरे बिछड़ जाते हैं। दूधा फार्म भरी भरी ऑनलाइन करा लेके अभी तक कोई चीज हमरा के सुविधा नहीं मिले थे, सरकार की बुझ बेदुरखा के जिये करवाइन खाली जम कर दिए हैं हो जाएगा, लेकिन जनता को उसका लाभ मिलेगा तब ना जनता सोचेगा ना सरकार कुछ मेरे लिए फायदा सोचा है। आइए यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं गाँव के। चाची ये बताइए कि जो जब बाढ़ आता है तो यहाँ पे क्या स्थिति बनाया जाता है? हमारे तो बहुत खराब स्थिति होता है, भोंस जाता है गांव घर सब घर द्वार सब कट जाता है, माल जाले बकरी लड़ा लेके रोड पर रहता है जाकर। सांसद बुलो मंडल यहां के सांसद है भागलपुर के और इस गांव को गोद लिए हैं, वो इस गांव में क्या विकास किया है वो? विकास हमस नहीं की देखे छे, रोड बनना चाहिए कुछ कर। आप बताइए क्या विकास हुआ? कोई विकास है ना बोलो मर इना ना करना छे बोलो कुछ नहीं ना विकास उन ना जे करना छे करना छे। इसमें बाढ़ आवे छे तो की ना यहां देखियो, यहां देखियो नहीं आवे छे अखरे हमरा सबके जब फोन फोन एक टाइम आते जब सब चीज सही रहती है तो दूसरा के बात बोली कोई सुनना कोई जरूरी छे दूसरा जगह जाके यहाँ तक सुन पड़े छे। आज संसद है की ज्ञान सर नरीन मुखिया सरपंच ज्ञान सर कहो संसद का वोट देव कहो नेता का
जे नेता सही रहते ओकरे देबे। हर बात नेता जी आबे छे वादा करे छे कि हई देबो हो देबो, लेकिन की नहीं है छे कुछ ये ठंग कुछ न। इस बार केनो संसद चाहिए हमरा के जान भरबाय त ओकरे वोट देलो छते जदि। तो आप बताइए, आप बताइए कि क्या दिक्कत है इस गांव में? की दिक्कत है? चार ओरी पर रोड पानी चले रहे, जो बोरिया पार्टी देती है कुछ जो कौन उन्हें तो ना तो अखनी वोट पड़ती है नहीं करती है। गाँव घर हम असली घर छोड़ी भागी के लिए मारी इन बनो पर। सांसद आए लो कभी इस गांव में? नहीं कोई नहीं लो छे कभी नहीं। बिजली है? बिजली है इस गांव? बिजली है। इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बताइए? जे बनाते मां वहां बनिस्ते। तो केकरा वोट देबो इस बार? वोट तो हम मशीन नहीं है जोने छे के आबे छे चुनाव में ना आबे छे वोट मशीन। अभी वोट मशीन केकरा है ना जे हमरो काम करते ओकरा वोट देबे कहना कि हमरा असनी का पनियारी आबे छे पानी आबे छे हर साल उतना गंजन हो छे दिक्कत हो छे बकरी माल सब लेके अपनो देश घर छोड़ी भागे लगे छे। अच्छा तो आप बताइए कि चाची केनो संसद चुनबो इस बार? हम चुनबे हमरा एनठा सबके विकास देते तभी हम चुनबे आरो एनठा हमार इन भागे छे माल जाल लेके दूर त हमरा के एनठा रहो नै दे छे कोई देखौल नै है आबे छे त हम अछनी की करबे। अच्छा ई बताबो यहाँ पर की विकास की होलो छौ? रोड बनलो छौ, स्कूल छे बच्चा सनी पढ़े लायक, थोड़ा समस्या छे या भरे के बाढ़ के समस्या? हां बाढ़ के समस्या, बाढ़ के समय में फसल भी डूबी जाय छौ बर्बाद जाय छे त एको कन मौक नै या सारे छे भादो में ना हमरा ऊ चाहिए। आप बताइए चाचा यहाँ पे कि इस इलाके में जो है बाढ़ आता है तो कितना नुकसान होता है और नेता जो लोग जो आते हैं कितना फायदा देता है लोगों को? देखिए नेता जी जो आता है वो फायदा यहाँ क्या देगा? रोड मांगते मांगते अगले साल बहिष्कार किया तो ये रोड दिया, जो टूट गया तो फिर भराई नहीं हुआ, कोई भी देखने के लिए नहीं आया तो किसको हम वोट देंगे? कोई भी देखने के लिए नहीं आया है। अभी इलेक्शन के समय हुआ है तो 100 टेडर इसमें मिट्टी गिरा के रास्ता बना के चला गया है, फिर देखने वाला कोई नहीं। बाढ़ के समय में यहाँ पे क्या स्थिति रहता? तनाव रहता है, घर घर में पानी रहता है, कोई देखने के लिए नहीं आता है। अभी जब चुनाव का नजदीक आता है तो कौन कौन नेता कितने नेता लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, क्या वादा करते हैं? अभी अरे वादा तो करता है हम ये देंगे वह करेंगे वह करेंगे, करने वाला है कौन? तो यहाँ पे जो लोगों का कहना है साफ तौर पे कि जो बाढ़ पीड़ित इलाका है नवगछिया का इस्माइलपुर गांव, इस गांव को सांसद ने गोद लिया है लेकिन अब तक जो विकास होना चाहिए था, जो आदर्श ग्राम बनना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया है। अपने सहयोगी अजीत कुमार के साथ सुशील कुमार, एबी न्यूज़, भागलपुर।